किसान भाइयों नमस्कार, मैं मनोज शुक्ला आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करके मेरे परिवार के सदस्य बन जाएं और वीडियो पसंद आने पर लाइक करके मेरा उत्साहवर्धन करने की कृपा करें। किसान भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिन किसान भाइयों ने इस बार काला नमक धान लगाया है उनकी बल्ले बल्ले होने वाली है। कैसे होने वाली है वो मैं वीडियो में आगे आपको बताने जा रहा हूँ। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में किसान इस बार बाढ़ से काफ़ी परेशान हुए, उनकी फसलों को बहुत नुकसान हुआ, गन्ना की फसलें गिर गईं, उड़द की फसल खेत में पड़े पड़े सड़ गई। इस बाढ़ और बारिश से किसानों का बहुत ही नुकसान हुआ, लेकिन वहीं कुदरत का नतीजा देखिए, कुदरत का फैसला देखिए कि काला नमक धान लगाने वाले किसानों की बल्ले बल्ले होने वाली है। भाइयों, विशेषज्ञों की माने तो लगातार बरसात व बाढ़ ने काला नमक धान की बम्पर फसल और उसका उत्पादन होने की संभावना जताई है। इस बार बारिश ने काला नमक धान बोने वाले किसानों के सिंचाई के खर्च को भी बचाया है। मीडिया की खबरों के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले काला नमक धान बोने वालों का रकबा में भारी बढ़ोतरी हुई है। ऐसे माकूल स्थिति इससे पहले कभी नहीं हुई है। काला नमक धान की फसल के लिए मौसम इस बार इतना अनुकूल बन गया कि कई वर्षों पहले हो सकता है कि इस प्रकार काला नमक धान बोने वालों का मौसम ने साथ दिया हो। भाइयों, आपको बताते चलें कि जून जुलाई में बोई गई फसल जो काला नमक की रोपाई हुई है, अक्टूबर के अंत में या नवंबर के पहले सप्ताह में कटाई के लिए तैयार हो जाएगी। गौरतलब है कि सामान्य धान के मुकाबले 20-25 दिन की देरी से यह काला नमक धान तैयार होता है, लेकिन अगर इसके रेट की बात करें और इसके महक, स्वाद और सुगंध की बात करें, इन मामलों में बासमती चावल को भी यह काला नमक चावल पीछे छोड़ देता है। भाइयों, मैंने काला नमक बौना धान की नर्सरी व बुआई जून में किया, रोपण भी किया। इसके बाद अब मेरा धान लगभग 130 दिन का हो गया है, इसमें कोई रोग नहीं आया, केवल जिंक की कमी दिखाई पड़ी थी जिसको मैंने दूर किया। भाइयों, मैंने इसके पहले जो खेत आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसमें काला नमक धान व देसी बासमती धान लगाया था। बासमती धान में बालियां आप लोग देख रहे हैं कि बालियां निकल चुकी हैं, लेकिन अभी तक काला नमक धान में बालियां नहीं आई हैं। भाइयों, खाद में केवल सागरिका का प्रयोग मैंने किया है। आगे की स्थिति जो होगी मैं आपको भविष्य में उसका वीडियो अपलोड करके ज़रूर दिखाऊंगा। भाइयों, जैसा कि मैं आपको इसकी विशेषता बताता हूं, काला नमक धान जो होता है इसका चावल लोहा व जस्ते से भरपूर होता है और शुगर फ्री होता है। हाँ भाइयों, एक बार फिर सुने, काला नमक धान का चावल शुगर फ्री होता है। और अगर इसके रेट की बात करें तो यह 3,500 रुपया कुंटल से लेकर 4,000 रुपया प्रति कुंटल तक इसकी मार्केट वैल्यू है। यह 3,500 से लेकर 4,000 रुपया कुंटल तक बिक जाता है। और इसको अगर आप अमेजॉन ऑनलाइन सर्च करते हैं तो भाइयों देखेंगे 100 रुपया, 150 रुपया से लेके 400 रुपया केजी तक काला नमक का चावल आपको दिखाई देगा। भाइयों, इसमें पर्याप्त प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है और सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसकी जैविक व रासायनिक दोनों प्रकार से खेती की जा सकती है। किसान भाइयों,
मैंने एक ही खेत में काला नमक धान और बासमती देसी धान दोनों लगाया है। दोनों की स्थिति आप देख रहे हैं। एक प्रकार का मेरा ये ट्रायल है और ट्रायल करके आपको दिखाना है ताकि मेरे अनुभवों को लेकर आप भी इसकी रोपाई कर सकें और नर्सरी डाल सकें। और अगर इसकी खेती हमारे ज़िला अयोध्या में सफल रहती है तो आप भी इसकी खेती करें। भाइयों, मुझे विश्वास है कि सदियों पुराना ये काला नमक धान और चावल जो कि बीच में लुप्त होता जा रहा था, इसको वर्तमान राज्य सरकार ने इसको बढ़ावा देने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। भाइयों, जहाँ तक इसके चावल के स्वाद की बात है, ये जहाँ जहाँ जैसा कि सिद्धार्थ नगर मैं एक जनपद बता रहा हूँ और उसके आसपास के ज़िले हैं जहाँ पे इसकी पैदावार होती है, अगर वहाँ आपके मित्र परिचित रिश्तेदार हों तो आप काला नमक धान और चावल के बारे में विधिवत जानकारी कर सकते हैं। भाइयों, इसके समान आज तक कोई स्वाद और सेहत युक्त यानी सेहत के लिए उपयुक्त अभी तक और कोई दूसरा चावल नहीं है। भाइयों, काला नमक धान का एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर विदेशों में किया जाता है, इसकी बहुत बड़ी मांग है। इसलिए अब समय की यही आवश्यकता है कि हमको अपनी पुरानी खेती की परंपरा को फिर से शुरुआत करना होगा, जो कि हमारे लिए और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छी होगी। भाइयों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसके साथ अब मुझे इजाज़त दें। भाइयों, मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार, आदाब। हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत कोट कोट धन्यवाद।